पटना में पहली बार सोनू सूद का एक कार्यक्रम हो रहा था, जिसमें बहुत बड़ा बड़ा पत्रकार लोग भी आए हुए थे। हमको लग रहा है बिहार के वैसे कोई भी पत्रकार नहीं थे जो नहीं आए थे। उसी समय हमारी मुलाकात अभय भाई से हुई। हम देखे कि ये 200-400 के भीड़ में ये व्यक्ति मुझे अलग दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये व्यक्ति में कुछ करने का जोश और जुनून है। उसी समय से हम इनको टारगेट कर लिए थे कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। फिर देखे कि नहीं, ये व्यक्ति ठंडा के दिन में 150-200 किलोमीटर बाइक चला के एक न्यूज कवर करने के लिए आ जाता है। उससे होता क्या था, 1,000, 2,000, 500, 5,000 तो नहीं जाता था व्यू, अर्निंग नहीं हो रहा था। बिना अर्निंग के, मतलब अपने घर से अपने पैकेट से इन्वेस्ट करके ये व्यक्ति न्यूज बनाने के लिए आ जाते थे। आप सभी लोग जानते हैं कि आज मीडिया हो या यूट्यूबर हो या प्रिंट मीडिया हो, समाज में एक छवि जो बन गया है कि पैसा लेके न्यूज बनाता है लोग, है ना, ऐसा छवि। लेकिन उससे एक अलग छवि अभय भाई अपना मार्केट में बनाए, जिसका ऋण समाज नहीं चुका पाएगी। ये व्यक्ति जो समाज के लिए किए हैं, जो दिखाए हैं, खान सर वाला जो प्रकरण था, खान सर का जो प्रकरण ये बता रहे थे, तो जब इसी तरह स्ट्रगल खान सर कर रहे थे, तब भी हम खान सर के साथ उसी जोश जज्बा जुनून के साथ खड़ा थे। खान सर के कोचिंग में जब बॉम्ब चला था, तो खान सर को हम लोगों ने और हमारी टीम ने पटना से मिलके उनको यूपी का बॉर्डर क्रॉस करवा के उनको अपने पैतृक स्थान पर पहुंचाने का काम किया था हम लोग। उसके बाद बिहार के एक सबसे बड़े यूट्यूबर हैं, वो भी आप लोग सब जानते होंगे, नाम लेने का जरूरत नहीं है। उनको भी जब जरूरत पड़ा तो हम लोग मजबूती के साथ खड़ा होके और बिहार नहीं देश के सबसे बड़ा यूट्यूबर बनाए, और हम अभय भाई के साथ खड़ा हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारा भाई जनता बाजार से निकल के और बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूबर बनेगा हमारा भाई 2 साल में, ये हम कामना करते हैं। हमारा जहाँ भी जरूरत हो भाई के लिए हम खड़ा रहेंगे। प्रिंस सर को हम चाहेंगे कि प्रिंस सर थोड़ा सा आइए आप भी, क्योंकि हम सभी से बुलवाएंगे। आज लंबा वीडियो होगा, 1 घंटा का भी हो सकता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लोग दो देखे, 2-3 पार्ट में डालेगा, लेकिन डालेंगे सबको और सबसे बात करेंगे आज, क्योंकि ये मोमेंट फिर दोबारा मुझे नहीं लगता लौट के आएगा। हो सकता है मिलियन हो जाए, लेकिन 1 लाख वाला तो फिर नहीं आएगा। सबसे बात करेंगे, आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा इत्मीनान से। इसको लगा लीजिए सर थोड़ा सा, हमको लगाने भी नहीं आता है। देखिए प्रिंस सर हैं, जनता बाजार ललातपुर प्रखंड, आसपास के प्रखंडों में लोग जानते होंगे। कई साल से, लगभग 10 साल से ज़्यादा, 1 दशक से ज़्यादा हो गया, समाज में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जनता बाजार पे आकर के एक मिडिल क्लास फैमिली से इतना बड़ा कोचिंग चलाना, मैनेज करना, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह का माहौल है, इस माहौल से अलग। बच्चों को भले इनके पास कोई, जैसे इनका गाइडलाइन मैं पढ़ा हूँ, मैं खुद छात्र हूँ तो मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं जैसे बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा हूँ तो जानता हूँ। इनके पास आप पढ़िए या मत पढ़िए, लेकिन पढ़ाएंगे तो ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि हमारे पास पढ़िएगा इसके लिए आपको फ्री छूट दे दे, जाकर घूमिए, लड़की पटाइए, ये सब इनमें नहीं है। ईमानदारी से हम कैमरे पे कह रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग है जनता बाजार पे, किसी की बुराई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके पास आपको पढ़ना है तो ईमानदारी से पढ़ना होगा, ताकि आपके माता पिता का नाक ना कटे, आपके टीचर का नाक ना कटे और आपकी बदनामी ना हो। ये चीज़ इनमें है। और मेरी क्या हैसियत है कि अपने गुरु के बारे में कुछ बोलूं। गुरु हैं हमारे, पढ़े हैं इनसे, देंगे। YouTube पे आए, YouTube पे एक एक लोगों को पकड़ के, हमको शर्म आता था शुरू में, अब नहीं आता है, किसी से बतिया लेंगे, अब 1-2 लाख के बीच में बोल लेंगे, देख रहे हैं बोल ले रहे हैं, लेकिन उस समय शर्म आता था, कैसे बोले सब्सक्राइब करने के लिए, सोचते थे बोले कि ना बोले, क्या सोचेगा सर को सब्सक्राइब करवा रहा है आके सर। लेकिन सर खुद ग्राउंड में जहाँ क्रिकेट वर्केट होता था, 100-200 लड़का, इधर आओ, अच्छा प्रणाम सर, सब्सक्राइब करो, बोलो अब जनता बोले सर्च करो करके, मतलब इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया कि मैं उस चीज़ को कैसे ब्याह करूं। तो हम चाहेंगे सर आप भी हमारे बारे में कुछ, चैनल के बारे में, जो है हमारा नहीं है नामे है अब जनता बोलेगी, तो आप सर हम चाहेंगे कुछ बोलिए, और कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव चीज़ों को भी बताइए, जिसको मैं सुधार करूँगा। पहली बात कि आप में निगेटिव कुछ नहीं है, जहाँ तक हमने देखा, हमें वो दिन याद है जिस समय ये लड़का एक क्रिकेटर का सपना देख रहा था, कलकत्ता से आकर के, और दंदासपुर इनका अपना घर हुआ और मेरा भी घर है। हम लोग बैठे थे तो ये बोल रहे थे कि हमको क्रिकेट खेलने जाना है, लेकिन फैमिली के लोग साथ नहीं दे रहे हैं, पढ़ना भी है, मैंने ये दोनों कन्फ्यूजन में ये थे। तो पहले हम बोले कि क्रिकेट तो बाद में भी खेल सकते हैं, बट जिस क्लास में है उसे पूरा करें। क्लास पूरा किए, उसके बाद एक बार पटना गए भी थे खेलने के लिए, क्लब में एडमिशन भी लिए थे, और मुझे याद है कि शायद हम बोले इनको कि ऐसे सपोर्ट में सामने तो नहीं आएंगे हम, लेकिन बैक से हमेशा आपके साथ खड़े हैं,
हमेशा। फिर ये क्रिकेट खेल के आए और फिर बोल रहे हैं कि नहीं यूट्यूबर बनेंगे, पता नहीं कैसे ख्याल आया इनके मन में। तो उस समय हम बोले थे कि अमित भैया से मिलिए, यहाँ आइए अमित भैया, कहाँ गए, हम बोले थे इस समय कि इनसे मिलिए, हम मिलवाएंगे इनको, हम बहुत पहले से जानते हैं। ये सफाई अभियान में भी हम लोग का शायद इनसे चिट थोड़ा सा साफ सुथरा रहता था, तो ये गए थे बहुत पहले। इसके बाद ये तो कहानी बिल्कुल सच है, हम लोग कोरोना काल की बात है, क्रिकेट खेलने उस समय कोचिंग सारा के सारा कोचिंग बंद था, हम लोग जब गए थे क्रिकेट खेलने तो उस समय एक एक बच्चा, हमको याद है कि जो बच्चा नहीं चाहता था उसे भी जबरदस्ती पकड़ के सब्सक्राइब कराए, हालांकि मेरा थोड़ा सा सहयोग था इनमें, कैबिलियत थी और आज भी है, तब इतने आगे बढ़े। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमसे ज़्यादा इनको लोग जानते हैं।